हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क पेट स्टोर। एंड आप देख सकते हो हम लोग ने एक शिह त्ज़ू की ग्रूमिंग की। एंड इसके फेस को जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग ने राउंड शेप दिया है। एंड इसके बाद इसकी कराते हैं बाथिंग, जिससे इसके सारे बॉडी के डर्ट्स एंड जो भी स्मेल आ रही दूर हो जाए। इसकी बाथिंग कराते कराते एक और क्लाइंट के पास एक और डॉग है जिसका नाम कैस्पर है। बहुत ही ओबीडियंट डॉग है, हमेशा फुल सपोर्ट करता है। वो एक क्रॉस ब्रीड है, वो रॉटवेलर एंड जर्मन शेफर्ड का, आप देख सकते हो। इसकी बाथिंग कराने के बाद, मतलब एक बाथिंग करना नहीं चाहता बट हम लोग कराते हैं। एंड देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लाइंट के पास। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे। ये जो गोल्डन रिट्रीवर दिख रहे हैं, या इसने पपी डिलीवर किया था, आप प्रीवियस शॉर्ट्स में होंगे इसकी वीडियो। इसके पूरे बॉडीज पे बहुत ही गंदा वाला फंगल इन्फेक्शन हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने इसका पहले ट्रिम किया है। आप देख सकते हो इसका ट्रिमिंग सेशन चल रहा है। आफ्टर ट्रिमिंग हम लोग इसको कुछ इंजेक्शन अप्लाई करते हैं जो भी पॉसिबल था। एंड ये बेबीज को फीडिंग भी कर रही थी, इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हुए कि वो इंजेक्शन लगाया है जो इशू ना करे बच्चों को। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं फीडिंग के टाइम पपीज़ को उसका कुछ रिएक्शन ना हो, क्योंकि मदर फीड में भी थोड़ा थोड़ा असर होता है जो भी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं। सो अगर जो अपने डॉग को जो भी मेडिसिन दे रहे हो, प्लीज़ किसी के डॉक्टर वेटनरियन के अंडर में आप उसको जो भी है मेडिसिन आप दो।